सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर जश्न मनाने में जुटी हुई दिखाई दी, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि आज भी उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। जनता ने भले ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया हो, लेकिन सरकार अभी तक जनता के वायदों पर खरी नहीं उतर सकी है। विपक्ष के पास उनको देने के लिए पासिंग मार्क्स तक नहीं है। विपक्ष यशपाल आर्य जी हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार जो खुशी मना रही है, जश्न मना रही है 100 दिन पूरे होने का, क्या मनाने की हकदार है? देखते हैं आपके 100 दिन में कुछ बड़े अचीवमेंट इस सरकार के रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा जनादेश इस सरकार को मिला है और निश्चित रूप से बड़ी अपेक्षाएं भी, आकांक्षाएं भी हैं, और जनता ने इसी विश्वास के साथ जनादेश दिया है। और हर सरकार का कोई ना कोई रोड मैप होता है, उनका एजेंडा होता है, उनका एक लक्ष्य होता है और उनका एक संकल्प भी होता है। लेकिन मुझे उसमें पूरा को पूरा अभाव सा दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 100 दिन के जो उनका कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से निराशाजनक है। इसमें प्राथमिकताएं क्या हैं ये तय होनी चाहिए थी। प्राथमिकताएं, सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, पूरा प्रदेश नौजवान जूझ रहा है। अग्निपथ को ही लीजिए, ये राज्य सरकार का एजेंडा नहीं है, लेकिन 24,000 सरकारी पद खाली हैं और नौजवानों के हाथ भी खाली हैं। कहीं भर्ती कोई स्पेशल ड्राइव की शुरुआत नहीं हुई है। रिवर्स प्लान की बात पिछले सालों में सुनता आ रहा हूँ, इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। गैरसैंण उनकी प्राथमिकता में है, हमारी भी प्राथमिकता में है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी विधानसभा के भराड़ीसैंण में सदन में घोषणा की थी कि अगला सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र भराड़ीसैंण में होगा और ग्रीष्मकालीन राजधानी की उन्होंने घोषणा की। यह सत्र नहीं चला। चलिए, उन्होंने कहा कि भाई चारधाम यात्रा की वजह से हम सत्र चलाने में अपने को असमर्थ सा महसूस कर रहे हैं, एक बहाना था जो भी था। लेकिन गैरसैंण के लिए अवस्थापना कार्य के लिए बजट का प्रावधान न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उनकी प्रतिबद्धता को इंगित करता है कि वह कितने इसके प्रति गंभीर हैं, संवेदनशील हैं। और दूसरी तरफ महंगाई, चारों तरफ महंगाई का मार है, आसमान को छूती महंगाई, इस दिशा में कोई पहल नहीं है। और बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती, इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। नहीं, 100 दिन में इसका दिखना चाहिए था। लगातार बिजली कटौती होती रही है और बिजली कटौती के अलावा बिजली की बढ़ोतरी भी हुई है, दामों में, दरों में बढ़ोतरी भी की गई है। तो कई सवाल हैं। राज्य का जो वार्षिक बजट है और जो अनुपूरक बजट है, जो लेखानुदान लेके आए हैं, लगभग 1,550 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और देखें कि जो कैग की रिपोर्ट भी है, उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि अधिकांश विभागों ने अपना जो बजट का जो बजट था, उसको मार्च के महीने में, एक महीने में खर्च किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि साल भर का बजट और 4 महीने का अनुपूरक बजट, ये आखिरकार ये खर्च क्यों नहीं कर पाए, किसकी लापरवाही से हुआ, विभागीय जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, सचिव हैं या सरकार है, क्या इसमें विकास के प्रति इतनी गंभीर नहीं रही, या उसका कहीं पर समीक्षाएं नहीं हुई, बैठकें नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में सरकार की प्राथमिकताएं तय नहीं हुई हैं और जनता को ये भी नहीं पता है कि सरकार किस योजना के साथ आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल सरकार के कामकाज की हालात ये हैं कि पासिंग मार्क्स देना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।